भाई नहीं जाना उसके वहाँ पे, अगर आया ना फोन तो बहाना बना लेंगे क्या। हाँ भाई यार, भाई अबराज यार प्लीज आ जाना यार। अरे भाई हम नहीं आ सकते यार, भाई हम दोनों यहाँ पे बिजी हैं बहुत यार, काम है यार। यार भाई शादी में बहुत काम है यार, भाई दोनों में से कोई एक आ जाओ। अरे एक भी नहीं आ सकता यहाँ पे, दोनों की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, दोनों की दोनों बिजी हैं हम यहाँ पे, दोनों का काम है भाई। यार भाई प्लीज आ जाना यार। अरे भाई नहीं आ सकता यार, मैं भी नहीं सकता, नहीं सकता एक जना भी नहीं सकता यार। अरे भाई ऐसी प्रॉब्लम है तो उसके बाद चले जा, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। हाँ भाई जल्दी आ जा। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते जी। भाभी जी बहुत दुख हुआ ये जानकर, अब मेरा दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा। होनी को कौन टाल सकता है। अगर आपको ऐतराज ना हो आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ जी पूछिए। क्या मैं अपने दोस्त की जगह ले सकता हूँ। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आप कब्रिस्तान वालों से पूछ लो। भाई गाड़ी आपकी है क्या? मना कर दे, मना कर दे, अपनी नहीं हटवाएगा अभी, मना कर दे। नहीं भाई हमारी नहीं है। नहीं भाई हमारी नहीं है। अरे क्या भाई मेरी गाड़ी गिरा दी, तो झूठ क्यों बोला भाई? नींद कैसे आएगी यार, अब तो दो पे गाने बाकी है। क्योंकि मैं लो भाभी जी हो गया आपका काम। ठीक है भाई साहब, मैं अभी पैसा ले आती हूँ। ये लो भाई साहब। अरे भाभी जी 100 रुपये ज्यादा क्यों दे रही है, मुझे करंट लगा इसलिए क्या? अरे करंट तुझे नहीं मुझे लगा है, जाके बाजार से चड्डी खरीद लेना। फिर दारू पी के आया है, आज तो उसको मजा चकाती हूँ। तू कौन है? चुड़ैल। हाथ मिला, मैं तेरी बहन का पति हूँ। अबे यार क्या सोच रहा है इतनी देर से? अबे यार कुछ दिन पहले मैंने अपने पड़ोसन को 5,000 रुपए उधार दिए थे, आज जब मैंने उससे पैसे की बात की तो मुझसे कहने लग गई तुम बहुत हैंडसम लगते हो, मेरा पैसा डूब गया क्या? तुम्हारी शक्ल चाइनीज जैसी क्यों लगती है? हाँ क्योंकि मेरे पापा चाइना से थे ना। तुमने कभी मिलवाया ही नहीं? हाँ क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रहे अब। हाँ चाइनीज माल ज्यादा टिकता भी तो नहीं है। सरकार कहती है एक लड़की ने पढ़ाई कर ली तो घर के 4 लोगों को शिक्षित बना देती है, बात तो सही है, लेकिन उस लड़की के पीछे 40 लड़के फेल हो जाते हैं, उसका क्या? बेबी पता है हम लड़के हैं ना मिर्च की तरह होते हैं। देखो बेबी मिर्च कितनी भी तीखी हो लेकिन हम औरतें उसका अचार डाल ही देती है। क्या हुआ था देवसेना? हे अपना काम करना, बड़ा है इम्प्रेस करने, मैं अपना हैंडल कर लूंगी। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। We are the champions. क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया। चल कहा दारू लेने। ग्रीन ग्रीन बाग में हरे हरे तोते, हम तो रोज नहा लेते हैं, आप तो मुंह भी नहीं धोते। और भाई कहाँ था इतने दिनों से? कुछ नहीं भाई, सोनारी की दुकान खोली तो जेल हो गई। सोनारी की दुकान खोली तो जेल हो गई? हाँ थोड़े से खोली थी ना। मैं पागल तेरे पीछे, तू पागल किसी और के पीछे, और वो पागल किसी और के पीछे, मतलब कि सारे पागल आगे पीछे नाइस। हाँ तो बताओ आज क्या खाओगे? खिचड़ी मंगवा लो। खिचड़ी? सरकारी स्कूल की लड़की पटाओगे तो यही होगा। वोकल फॉर लोकल, ये बात मुरी जी कहा कर सकते दोस्तों। अब हमारी बारी है, टिकटॉक तो हो चुका बैन,
अब देसी फंड्स की बारी है। एक ऐसा ऐप जो भारत का है, भारत देश के लोगों के लिए है और भारत देश के लोगों द्वारा बनाया गया है। यहाँ आप बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करके पैसे भी कमा सकते हो और स्टार भी बन सकते हो और बहुत ज्यादा फेमस भी हो सकते हो। तो खैर कोई बात नहीं, जाओ जल्दी से और इस फंड से आपको जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। यहाँ आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे जहाँ आप उसको देखकर मजे और इसका आनंद उठा सकते हो। तो जल्दी जाओ और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी आप डाउनलोड इसको डाउनलोड कर सकते हो। यार आज तो मजा आ गया यार, उसकी जेब में देख बहुत सारे पैसे हैं यार। हाँ। आज अपन पार्टी करेंगे, जाके सबको बता दे आज उन्हीं पैसों से पार्टी करेंगे। भाई बोल रहे हैं कि उन पैसों से पार्टी करेंगे आज। भाई भाई देख उसकी जेब में कितने सारे पैसे हैं। भाई बोल रहे हैं कि उसके पैसों से पार्टी करेंगे आज। भाई भाई देख भाई बोल रहे हैं कि अपने उसकी जेब में बहुत सारे पैसे हैं, अपन उससे पार्टी करेंगे आज। भाई भाई तेरी जेब में बहुत सारे पैसे हैं, भाई बोल रहे हैं कि आज पार्टी करेंगे इससे। कैसी लड़की से शादी किया है, कैसी माँ है तुम्हारी। मेरा तो ऊपर वाले से भरोसा ही उठ गया है, कहाँ मांगी थी मैंने पढ़ी लिखी सुशील बहू और ये मिल गई जल कुकड़ी। भरोसा तो मेरा भी उठ गया ऊपर वाले से, मैंने भी मांगी थी या तो सास अच्छी हो या तो फोटो टंगी हो। रामो इधर आ। जी साहब जी। कल मैं नहा रहा था तो डायरेक्ट अंदर कैसा घुस गया तू। सॉरी साहब जी, मुझे लगा मैडम थी। यार मैंने तुमको मैसेज करा था, तुमने सीन करके रिप्लाई नहीं दिया। अरे वो तो गलती से सीन हो गया था। जे हो मेनू मोटी का ना ब्लॉक कर देना। मैं ते ब्लॉक करके कड़े तू पतली हो जाना। चलो बच्चों अब क्लास खत्म हो गई है। और हाँ पप्पू, कल होमवर्क नहीं किया तो मुर्गा बनाऊंगा। सर जी। हाँ बोलो पप्पू। सर मुर्गा तो मैं नहीं खाता, मटर पनीर बना लेना। ओए तू सिंगल है। हाँ यार। इतनी झूठी है, कल ही मैंने तेरे को राहुल के साथ देखा है, क्या मिलता है तेरे को झूठ बोल के। नया बॉयफ्रेंड। लड़के तोर नाम का हुआ है। छोटू सर। अच्छा मोटू। मोटू ना है सर, छोटू। अच्छा लोटू। लोटू ना है सर, छोटू। छा छा छक्का वाला छा। अब शादी कब करोगे बेबी। मत करना वरना सारा खून पी लेगी। कितने भाई बहन हो आप। चार। चारों में आपका नंबर कौन सा है। जियो का। ओ भैया ये मोबाइल को देखो यार। क्या हो गया। अरे देखो यार इसको यार। ये ऐसे लपेट के क्यों लाया। अरे इसको कोरोना वायरस हो गया। मोबाइल को कोरोना वायरस होता है क्या। अरे भैया यार 3 दिन हो गए यार, जिसको भी फोन लगाओ पहले ये खांसता है उसके बाद में फोन लगता है यार। एक काम कर भाई तू ये ले जा यहाँ से। पागल यहाँ वायरस फैलाएगा तो चल पता कैसे। कर दो यार। डियर बेस्टी, सोच तो जिसकी बीवी बनेगी उसको कितनी क्यूट साली मिलेगी। तो मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। मैंने कहा मुझे छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा तो क्या कर लेगा। अपने मोबाइल नंबर से आई लव यू लिखकर 10 लड़कियों को भेजो और अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाने का मौका पाओ। वाह कोई ऑफर चल रहा है शायद। और बदले में मिलेगा बॉडी मसाज और डंडे की धुलाई बिल्कुल फ्री। कैमरा कहाँ बता तेरा। कैमरा कहाँ चलो बताता हूँ। कहाँ है कैमरा। ये है। आप खाओ और मिठाई खाओ और 15-20 लोगों को और बुला लो। अरे बहुत खुशी है। अरे बहुत खुशी की बात है, हमारे सिंधिया जी नहीं थे कांग्रेस में। हाँ। वो बीजेपी में आ गए। लो मुंह मीठा करो। कांग्रेचुलेशन भाई कांग्रेचुलेशन।
साला कांग्रेस का आदमी है। हाँ, भाजपा चुले शान, भाजपा चुले शान भाई। अच्छा एक बात बताओ बाबू, तुम्हें किस बात का गुरूर है? क्योंकि लंगूर के हाथ में अंगूर है। भाई 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 धीरे चलो, धीरे 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 चलो भाई धीरे। अबे गाड़ी लेकर धीरे चलो। अच्छा ये क्या बे? गाड़ी पर चलो। आयो दिमाग। अबे पागल तुबक। बीवी नाराज हो गई थी, अमीर होता तो डायमंड की रिंग देके मना लेता, पर क्या करूं गरीब हूं, दो चार थप्पड़ मार कर ही समझाना पड़ा। लड़कियां मर तो सकती है लेकिन किसी को धोखा नहीं दे सकती, बाकी का झूठ कल बोलूंगा। हेलो भाई साहब, विश्वास है क्या? अरे हाँ भाई है, तो फिर 50,000 रुपए उधार दे दो। बाबूजी मैंने इस छमिया से शादी कर ली है भगा के। बड़े बेकार हैं आप, और उससे भी बेकार है ये लड़की जिसने तुम्हारा हाथ थामा है। निकल जाइए हमारे घर से। बेकार मत कह दे, मुंह पे ईंट मार दूंगी। आ जाइए घर में, घर में चलिए। अच्छा अगर मैं मर गया तो? मर गया तो चल मर के दिखा। अरे मैं जाग कर रहा था। और भाई पढ़ाई वढ़ाई कैसी तेरी चल रही है आजकल? बस भाई चल रही है, बस चलते चलते बहुत दूर चली गई मुझसे। सलाम वालेकुम मोसे भाई, दुनिया की इतिहास में। वालेकुम सलाम, तेरे प्यो ने कहना वा। नो 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 नो, ये भाई ये भाई ये भाई ये भाई ये लो। क्या है ये? चुल्लू भर पानी। क्या करूँ इसका, डूब मरो उसमें। क्या डूब मरो, मर जाओ, बच्चे क्या बोल कहेंगे, देश को जरूरत नहीं तुमसे लोगों। पागल है क्या? अरे मर जाओ ना। और भाई निकल ले, और लो भाई निकल ले, निकल ले, बच्चे क्या बोल कहेंगे तुम। और जनाब क्या चल रहा है? जनाब हिंदुस्तान में तो पता नहीं जी कौन सा नशा करता है यार, मेरा हर इक से वफा करता है। भाई ओ तुम लोगों को पता है 20 साल तक मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं थी। फिर अरे बात कर दी यार। फिर मैं 21 साल का हुआ और घर वालों ने मेरी शादी करवा दी, तब जाके एक औलाद हुई।